नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रजा का राजा अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय देने वाला हूँ। इसके पूर्व वाले भी वीडियो में मैंने बताया कि शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 के दिन हुआ शिवनेरी किले में, और इस वीडियो के माध्यम से आप प्रजा का राजा छत्रपति शिवाजी इसका लेखन किया गया है और इसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहा हूँ कि प्रजा का राजा छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरह से प्रजा का पालन पोषण करते थे। तो शिवाजी महाराज ने छोटी जागीर से स्वराज्य का निर्माण किया। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के शिकार होने वाले लोगों को स्वाभिमानी बनाया, स्वराज्य को अच्छी व्यवस्था देकर प्रजा को सुखी बनाया, स्वराज्य के लिए लड़ने वाले सेवकों से पुत्रवत प्रेम किया, पिता की तरह प्रजा की देखभाल की। शिवाजी महाराज शत्रु के आक्रमण के समय प्रजा की रक्षा करने की सूचना अपने सरदारों को देते थे। गद्दारी करने वालों के लिए कठोर दंड निर्धारित किए गए थे। शिवाजी महाराज ने किसानों के लिए भूमि का लगान निश्चित किया। निश्चित किए हुए लगान से अधिक लगान वसूल करने वाले अधिकारियों को कठोर दंड दिया जाता था। शिवाजी महाराज ने जागीर प्रथा बंद करने का प्रयत्न किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को नकद वेतन देने की पद्धति शुरू की। शिवाजी महाराज का गुप्तचर विभाग बहुत ही सक्षम था। नियमों की अवहेलना करने वाले तथा प्रजा को कष्ट देने वाले सैनिकों को कठोर दंड दिया जाता था। शिवाजी महाराज धर्म जाति आदि को ध्यान में ना रखकर केवल मनुष्य की योग्यता देखकर उसे नौकरी में रखते थे। थल सेना और नौसेना में अनेक मुस्लिम अधिकारी थे। युद्ध अभियान के दौरान शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को भी कभी क्षति नहीं पहुंचाई, औरतों की प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आने पाई। शिवाजी महाराज का धार्मिक दृष्टिकोण बड़ा उदार था। उन्होंने किसी व्यक्ति से उसके मुसलमान होने के नाते द्वेष नहीं किया। वे हिंदू धर्म में आने वालों का विरोध नहीं करते थे। बजाजी निंबालकर और नेतोजी पालकर मुसलमान हो गए थे, परंतु उन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। नेतोजी पालकर शिवाजी महाराज के सेनापति थे। लोग उन्हें प्रति शिवाजी कहते थे। काजी हैदर शिवाजी महाराज के वकील थे। नूर बेग शिवाजी महाराज की थल सेना का अधिकारी था। दौलत खान शिवाजी महाराज की सेना का अधिकारी था। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से प्रजा का राजा अर्थात शिवाजी महाराज किस तरह से अपनी प्रजा की देखभाल करते थे और वे प्रजा के राजा कहलाते थे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप प्रजा का राजा अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।